वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस क्लास में मैं स्वागत करता हूं आपका बीके सिंह इंग्लिश क्लासेस के इस ट्यूटोरियल में, जहां आज हम सब करने वाले हैं 100 नंबर पोएट्री के फर्स्ट चैप्टर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसे लिखा गया है जॉन डाउन के द्वारा, उसका ऑब्जेक्टिव। जी हां, पहले जैसा कि मैंने आपको पोएट्री के लाइन बाय लाइन का हिंदी एक्सप्लेनेशन कराया था, और अपने लास्ट क्लास में हमने स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के समरी सेशन को किया था। आज के इस क्लास में मैं आप सबके लिए लेके आया हूं 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगे। तो आइए बिना देर किए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटन बाय, यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को लिखा किसने है। फर्स्ट ऑप्शन जॉन डॉन, सेकंड जॉन किट्स, थर्ड डब्ल्यू डब्ल्यू ऑर्थ, फोर्थ ऑप्शन विलियम ब्लेक। तो इस क्वेश्चन का जवाब अगर आपने दो सेशन मेरा पहले ही देख लिया है तो मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। इसका फर्स्ट आंसर होगा जॉन डॉन। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को जॉन डॉन ने लिखा है, ए ऑप्शन सही है। सेकंड, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ पोयम। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किस तरह की पोयम है, किस तरह की कविता है? तो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक मेटाफिजिकल पोयम है, एक आध्यात्मिक कविता है, जिसे आध्यात्मिक कविता के मार्ग प्रशस्त करता जॉन डॉन ने लिखा है। थर्ड क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड द पायोनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। मेटाफिजिकल पोएट्री के पायोनियर, पायोनियर कहते हैं अगुआ को, मैं पहले आपको दो तीन बार बता चुका हूं। हु इज कॉल्ड द पायोनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री, यानी मेटाफिजिकल पोएट्री का पायोनियर किसे कहते हैं? जॉन डॉन को कहते हैं, जॉन किट्स को कहते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ को कहते हैं, या विलियम ब्लेक को कहते हैं? जी हां, बिल्कुल सही आंसर, जॉन डॉन को द पायोनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री कहा जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज नॉट डैश डैश हिज बिलव्ड, यानी जो कवि है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का, वो अपनी बिलव्ड से, अपनी प्रेमिका से क्या नहीं है? टायर्ड ऑफ, थका हुआ नहीं है, सैड फॉर, उदास नहीं है, एंग्री विथ, नाराज नहीं है, हैप्पी फॉर, खुश नहीं है। तो हमने स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इस पोयम का फर्स्ट स्टेंजा का फर्स्ट लाइन पढ़ा था कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरनेस ऑफ दी, जहां मैंने आपको बताया था कि वियरनेस का अर्थ होता है टायर्ड ऑफ, यानी मेरी प्यारी महबूबा मैं इसलिए नहीं जाता हूं कि मैं तुमसे थक गया हूं, यानी लेखक अपनी प्रेमिका से थका हुआ नहीं है, यहां आंसर होगा टायर्ड ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएट जॉन डॉन इज बेटर देन, यानी जो कवि है जॉन डॉन वो किस चीज से ज्यादा अच्छा है? इस पोयम में हमने पढ़ा था कि पोएट जो है वो ये कह रहा है कि आई एम बेटर देन सन, मैं सूरज की अपेक्षा ज्यादा अच्छा हूं, क्योंकि मैंने सूरज से ज्यादा पंख और सूरज से ज्यादा प्रेरणाएं ले ली हैं। मैंने आपको पोयम पढ़ाने के दौरान इस लाइन को एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे आंसर होगा शन, कि द पोएट इज बेटर देन शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश 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 has been described as a metaphysical poet, यानी metaphysical poet किसे कहा गया है? Metaphysical poet का वर्णन किसके लिए किया गया है? तो आंसर आपको पता है कि metaphysical poet कहा जाता है जॉन डॉन को, यानी जॉन डॉन के लिए बातें कही गई हैं कि वो एक metaphysical poet है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉन डॉन इज गोइंग टू डैश 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 लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड,
अपनी पत्नी को पीछे छोड़कर जॉन डॉन कहां जा रहे थे, कहां जा रहे थे जॉन डॉन? तो हालांकि इसकी चर्चा आपके बुक में तो नहीं है, पर हाँ मैंने सर्च किया था नेट, वहां मुझे मिला कि जॉन डॉन इज गोइंग टू जर्मनी, जॉन डॉन जर्मनी जा रहे थे अपनी पत्नी को पीछे छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश 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 वॉन्ट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट द डेथ, कौन मृत्यु को हंसते हंसते स्वीकार करना चाहता है? तो आपको याद होगा कि फर्स्ट स्टेंजा में ही पोएट कहता है, सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट एंड इट इज बेटर टू मी टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, कि मैं सबसे अच्छा ये है कि मुझे मरना तो है ही, पर मैं अपने मृत्यु को हंसते हंसते स्वीकार करूं। ये बातें कही थी जॉन डॉन ने। जॉन डॉन वॉन्ट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ, जॉन डॉन ग्लैडली यानी हंसी 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 खुशी अपनी डेथ को, अपनी मृत्यु को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, स्वीकार करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन डॉन हैड सीन द सन सेटिंग डैश डैश नाइट, जॉन डॉन ने सूरज को डूबते हुए किस रात देखा था? तो जॉन डॉन ने, आपने पढ़ा था सेकेंड स्टेंजा का फर्स्ट लाइन है, यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस, कल रात सूरज यहां से चला गया। तो यस्टर नाइट का ऑप्शन यहां पे सही होगा कि जॉन डॉन हैड सीन द सन सेटिंग यस्टर नाइट, कल रात पिछली रात उन्होंने सूरज को डूबते हुए देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन डॉन फील्स दैट इज वेरी होपलेस, जॉन डॉन महसूस करते हैं कि कौन बहुत होपलेस है, कौन बहुत आशाहीन है, निराश है। तो हमने पढ़ा था कि थर्ड स्टेंजा के पहले लाइन में कवि कहते हैं, ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर, अरे इंसान की शक्ति कितनी कमजोर है, यानी यहां पे कवि ने चर्चा किया है इंसान की शक्ति का। जॉन डॉन ये कहना चाहते हैं कि अ मैन इज वेरी होपलेस, एक इंसान बहुत ज्यादा होपलेस है, एक इंसान बहुत ज्यादा निराश है, क्योंकि वो चाहे भी तो अपने गुजरे हुए पल को बुला नहीं सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन डॉन थिंक्स दैट डैश डैश इज सर्टेन, जॉन डॉन सोचते हैं कि क्या निश्चित है, किस चीज का आना निश्चित है, जीवन का निश्चित है, वॉकिंग का निश्चित है, वर्क का निश्चित है, या डेथ का निश्चित है? जी हाँ, डेथ का निश्चित है, मृत्यु का एक ना एक दिन आना बिल्कुल निश्चित है। इट इज इनेबिलिटी ऑफ, इट इज द नेचर ऑफ लॉ, ये प्रकृति का नियम है कि मृत्यु का आना बिल्कुल निश्चित है। ट्वेल्थ क्वेश्चन है, जॉन डॉन वॉन्ट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ, जॉन डॉन जाना चाहते हैं क्योंकि वो थके हुए नहीं है। किससे थके हुए नहीं है? अपने फादर से, अपने मदर से, अपने सिस्टर से, या अपने वाइफ से? तो एनमोर के लिए ये चैप्टर कहा गया था, इस चैप्टर में लेखक ने जितनी बातें बोली हैं सब अपनी पत्नी के लिए बोली हैं। जॉन डॉन जाना चाहते हैं क्योंकि वो अपने पत्नी से थके हुए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉन इज वेल नोन फॉर हिज, डॉन, जॉन डॉन वेल नोन है, प्रसिद्ध है किस चीज के लिए? सॉन्ग एंड सोनेट्स के लिए, जी हाँ इसके लिए भी वो प्रसिद्ध है। सो वो सैटायर्स भी लिखते हैं, वो सरमोन्स भी लिखते हैं, यानी इसका आंसर होगा ऑल ऑफ देम। जॉन डॉन सॉन्ग एंड सोनेट्स भी लिखते हैं, सैटायर भी लिखते हैं, सरमोन्स भी लिखते हैं, यानी ऑल ऑफ देम वो सब लिखते हैं, वो सब चीजों के लिए प्रसिद्ध है। इन द पोयम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो डी वाई ई, ये जो शब्द है डी वाई ई, ये किसके लिए प्रयोग किया गया था यहाँ? तो डी वाई ई शब्द का प्रयोग किया गया है डाई के लिए, यानी ए ऑप्शन सही है, डाई। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन एड्रेस टू, यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किसको एड्रेस किया गया है? इस कविता में लेखक ने सारी बातें किसको कही है? डॉन्स ने अपनी पत्नी को कही है, ऑप्शन है डॉन्स वाइफ, डॉन्स सिस्टर, डॉन्स मदर, या नॉन? तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये पूरा पोयम जॉन डॉन ने अपनी पत्नी एनमोर के लिए कही है, आंसर होगा ए। द ओकेजन ऑफ द पोयम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डॉन्स, यानी जो ओकेजन है, ये जो अवसर है
स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का वो डॉन के किस चीज से संबंधित है? डॉन जॉन डॉन के स्पेस टूर से, वो तो उन्होंने किया ही नहीं था। वेद से, ये भी उन्होंने नहीं किया था। हाँ, कॉन्टिनेंटल ट्रिप पे वो जा रहे थे जब उनकी पत्नी डर रही थी उन्हें कुछ हो ना जाए, तो जॉन डॉन के कॉन्टिनेंटल ट्रिप से संबंधित है इस स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। जॉन डॉन वाज बोर्न इन, जॉन डॉन का जन्म हुआ था 1962, 1972, 1982 या 1992, माफ कीजिएगा ये ऑप्शन गलत हो गया है, यहां 15 का ऑप्शन होना चाहिए क्योंकि जॉन डॉन का जन्म हुआ था 1572 में। तो आप जहां जहां 99 देख रहे हैं वहां वहां 55 कर लीजिए। जॉन डॉन का जन्म हुआ था 1572 ईस्वी में, 1572 में। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक है सोनेट है, नहीं सोनेट तो 14 लाइन की पोएम को कहते हैं, ये नहीं है। ओड है, नहीं ये ओड भी नहीं है, बल्लाड भी नहीं है, ये एक लिरिक है। मैंने समरी में समझाया था कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ मेटाफिजिकल पोयम और लिरिक। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक मेटाफिजिकल पोयम है या एक लिरिक है, एक लिरिक होगा। नेक्स्ट है, दे हु कीप वन अनदर अलाइव, वे लोग जो एक दूसरे को जिंदा रखते हैं, कैन नेवर, वो नहीं होते क्या डाई, वो नहीं मरते हैं, मरना तो सबको है, स्लिप नहीं सोते हैं, अलाइव नहीं जिंदा रहते हैं, यहां नॉन का आंसर होगा क्योंकि आपने पढ़ा था कि दे हु वन अनदर कीप इज नेवर पार्टेड बी, वो कभी भी अलग नहीं होते हैं। इस पोयम का, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो चैप्टर का ये सबसे लास्ट लाइन था, दे हु वन अनदर कीप नेवर पार्टेड बी, वो लोग जो एक दूसरे को जीवित रखते हैं अपने मन में वो कभी भी अलग नहीं होते। आंसर पार्टेड का होना चाहिए था जो कि यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, नॉन का ऑप्शन सही होगा। अ मैन कैन डू एनीथिंग, एक इंसान कुछ भी कर सकता है इफ ही, अगर वो डैश 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 किसी और से करे, अगर वो किसी और को प्यार करे, अगर वो किसी और को देखे, अगर वो किसी से नफरत करे या अगर वो किसी को महसूस करे, तो इसका आंसर होगा कि एक इंसान कुछ भी कर सकता है अगर वो किसी से प्यार करे, वो किसी से बड़ी बाधा को भी पार कर सकता है। डॉन प्रेजेंट हिमसेल्फ इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इन, यानी ये जो चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इस चैप्टर में डॉन ने अपने आप को किस रूप में प्रस्तुत किया है? द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर या थर्ड पर्सन? तो उन्होंने कहा है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यहाँ आई है और आई हम जानते हैं फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर होता है, ए ऑप्शन सही है। डॉन वाज विफरी सेंट टू प्रिजन, जॉन डॉन को थोड़े समय के लिए जेल भेजा गया था, आप सबको पता है, फॉर किस चीज के लिए, अपने पैटर्न्स की नीस से क्या करने के लिए, अपने आश्रय दादा की भतीजी से उन्होंने क्या कर लिया था जिसके चलते उन्हें जेल जाना पड़ा। तो हमने पढ़ा था कि उन्होंने अपने पैटर्न्स के नीस से ही चुपके चुपके शादी कर लिया था, सेक्रेटली मैरिंग कर लिया था, जिसके चलते उन्हें थोड़े समय के लिए जेल जाना पड़ा था। जॉन डॉन वाज बोर्न इन, जॉन डॉन का जन्म हुआ था, कहां हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। जॉन डॉन वाज फोर्स टू लीव डैश 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 विदाउट अ डिग्री ऑफ हिज रिलीजन, अपने धर्म के चलते, अपनी जाति के चलते जॉन डॉन को बिना डिग्री लिए ही किस चीज को छोड़ना पड़ा था, क्या छोड़ दिया था उन्होंने बिना डिग्री लिए? तो उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया था क्योंकि वो एक एंटी कैथोलिक धर्म से संबंधित थे, उनका धर्म एंटी कैथोलिक था और उस समय इंग्लैंड का माहौल एंटी कैथोलिक था, जिसके चलते उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को बिना डिग्री छोड़ना पड़ा। लास्ट क्वेश्चन है, वियरनेस मीन्स क्या होता है? वियरनेस मीन्स क्या होता है आपने पढ़ा था, वियरनेस मीन्स होता है टायर्डनेस, थकावट। तो आशा करता हूं ये 25 क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं जस्ट रिप्लाई करूंगा उसकी,
थैंक फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अब सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के अगले वीडियो के साथ, सेकेंड पोएट्री के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, सी यू अगेन।